अगर आप ये वीडियो इसका टाइटल देख कर आए हैं कि मिलिट्री स्कूल में 11th में एडमिशन कैसे हो सके, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। मैं ज़रूर बताऊंगा कि एडमिशन कैसे हो सकता है, लेकिन ये कहानी सुननी पड़ेगी और ये आपके पेशेंस का टेस्ट है। अगर आप ये पास नहीं कर सकते तो मिलिट्री स्कूल का सपना भूल जाएंगे। सुनेंगे कहानी, तैयार हैं? आइए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूँ आशुतोष झा, आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी। और आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह मिलिट्री स्कूल में 11th में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सारी दुनिया जानती है 6th और 9th में होता है मिलिट्री स्कूल में एडमिशन, लेकिन अगर आपने वो मौका तब मिस कर दिया, अगर आप उस समय एडमिशन नहीं करवा पाए हैं और आप जज्बा रखते हैं, क्योंकि अगर आप वो जोश, वो जज्बा, वो हिम्मत रखते हैं कि मैं 11th में भी जाऊँगा, इस चीज़ को एक्नॉलेज करना सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी भर कंप्लेन करते रह जाते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आई, अपॉर्चुनिटी हमारा दरवाज़ा नहीं खड़खड़ाया, वरना हम खोलते तो हमें ही मौका मिलता है। नहीं भाई, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। बीती ताई बिसार दे, आगे की सुधरे, जो चला गया उसका तो कुछ कर नहीं सकते। पर हाँ, अगर आप 9th में हैं और चूक गए, अगर आप 10th में हैं और फिर भी ये ख्वाब देखते हैं कि मुझे मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना है, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए। यही जज्बा जो है आपको बरकरार रखना, और इस जज्बे को बनाए रखने के लिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक स्टूडेंट था, उसने क्लास 6th में एग्ज़ाम दिया था, पर उस टाइम उसको कोई खास आइडिया था नहीं, उसने बस दे दिया और एग्ज़ाम चला गया, कुछ नहीं हुआ उसका। 9th में फिर उसे 8th में जाके याद आया कि यार 9th में भी एडमिशन होता है। 9th में उसने इस बार बेहतर तैयारी की थी, पर शायद सीट्स कम रह गई, शायद उसके एक दो नंबर से जो है उसका एग्ज़ाम में उस बार भी क्वालिफाई नहीं हुआ, और अब वो परेशान, अब करे तो करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो सिर्फ 6th और 9th में होता है, तो 11th में एडमिशन पाए कैसे। उसने बोर्ड एग्ज़ाम दी, बहुत जमकर मेहनत की, क्योंकि मेहनत जो है ना सिर्फ ये नहीं होता कि आपको एक एग्ज़ाम के लिए कर लेनी और बाकी जगह पर ऑफ नहीं करनी। मेहनत इतनी कमाल की चीज़ है ना, अगर आप एक फील्ड में करना सीख जाएँ तो बाकी फील्ड में अपने आप आ जाती है। मेहनत का दामन मत छोड़िए, सफलता आपका दामन नहीं छोड़ेगी। उसने वही किया, 10th बोर्ड की तैयारी की, जी भर के, लगन से, निष्ठा से उसने तैयारी की और अच्छे से एग्ज़ाम दिया, बढ़िया नंबर आए। और अब बैठ के दोबारा इसी प्रश्न में था कि अब क्या क्या जाए, मैं कहीं से आर्ट स्ट्रीम लूँ, साइंस स्ट्रीम में कंटिन्यू करूँ, कौन सा कॉलेज देखूँ, उस हिसाब से सारी चीज़ें सोच रहा था। एक मिनट, तुझे तो मिलिट्री स्कूल जाना था। अरे सर, जाना तो था, अब एग्ज़ाम तो उस टाइम पे नहीं हुआ, आपने देखा 9th में मैंने इतनी मेहनत की थी। मैंने कहा वाकई मैंने देखा था, उसने मेहनत की थी। सर अब नहीं हुआ, क्या करूँ, अब ठीक है कुछ और करेंगे। मैंने कहा भाई क्या करता था, उस शांति। उसने उसके बाद क्या किया, उसने उसके बाद अप्लाई किया एडमिशन पर। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसका 11th में एडमिशन हुआ RMS में, और वो जो प्रोसेस है वही मैं आप सबसे आज शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह क्लास 11th में आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में। देखिए, मार्च और अप्रैल में हर साल 10th के बोर्ड्स होते हैं, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप एग्ज़ाम जी भर के, लगन से, जो है पूरी निष्ठा से आप एग्ज़ाम दीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। रिज़ल्ट आएगा कब, मान के चले जून में रिजल्ट आ जाता है, लगभग यही कि जून में बोर्ड के रिजल्ट्स आ जाते हैं। जून में ही पांचों मिलिट्री स्कूल्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे नोटिफिकेशंस जारी होती हैं। ये नोटिफिकेशंस होती हैं जो बताती हैं कि क्लास 11th में कितनी वैकेंसी है। हर स्कूल में 2-3 सीट्स हर साल रहती ही हैं, यानी 2-3 सीट्स पर स्कूल रहेंगी। अगर आपकी तकदीर अच्छी है तो 4-5 सीट्स भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है कि 10th में कितने बच्चे जो है किन्नी रीजंस की वजह से वहाँ पे वैकेंसीज खाली करके गए। उसके लिए आपको अप्लाई करना है। पांचों मिलिट्री स्कूल की जो कॉमन वेबसाइट है उस भी चेक करते रहे, उस पे भी नोटिफिकेशन आती है, जहाँ पे भी आपको दिखेगी वैकेंसी बताई गई है वहाँ पे आप अप्लाई कर दें। आपके जो रिजल्ट है, आपका जो 10th का रिजल्ट है, जो मार्क्स आए हैं, उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू जो है जुलाई के महीने में हो जाता है, यानी जून में आपने इसको फिल किया, जुलाई के महीने में आपका इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू में आपने कैसा परफॉर्म किया है प्लस 10th के आपके मार्क्स कितने, इन दोनों को कंबाइन करके बनती है एक मेरिट लिस्ट। ये मेरिट लिस्ट रिलीज की जाती है, उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप जाएं अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं। मेडिकल टेस्ट का पूरा परफॉर्म हमने डिटेल में बात की है, मैं आपको आगे बताऊंगा। यानी जुलाई में आपने इंटरव्यू दिया, उसके बाद मेरिट लिस्ट आई, मेडिकल आपने करा और आपने ज्वाइन कर लिया, अगस्त में आप स्कूल ज्वाइन कर लेंगे। और ये वो बात है, ये वो चीज़ है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी और कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। यानी बहुत देखिए, पब्लिकली इसका नोटिस थोड़ा सा अवेयरनेस भी कम है, पब्लिक नोटिसेज भी इसके कम ही निकलते हैं, तो इंडिविजुअली आपको वेबसाइट पे ये चीज़ चेक करते रहना पड़ेगा कि हर स्कूल में कितनी वैकेंसी कब निकली है। वैकेंसी होगी इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ, हर साल हर स्कूल में 2-3 वैकेंसीज तो होती ही होती हैं, तो अपने आँख कान खुले रखें और इसको फिल करना ना भूलें। तो ये है प्रोसेस क्लास 11th में एंड टू एंड, मतलब क्लास 11th में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अप्लाई करने का, एडमिशन पाने का। एक बार दोबारा हम क्विकली इसको अगर रन कर लें तो मार्च अप्रैल में आपने 10th बोर्ड के एग्जाम दिए, जून में आपके रिजल्ट आए, जून में ही ये ओपन होता है, जून में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की कॉमन वेबसाइट पर और स्कूल्स की इंडिविजुअल वेबसाइट पर भी।
वहीं पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू और टेंथ के जो मार्क्स हैं उसको जोड़ के मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। अगर आप मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट कराना है और अगस्त में आप स्कूल ज्वाइन कर लेंगे। क्लास 11th और 12th वहाँ से कंप्लीट करने के बाद आप एनडीए के लिए तैयार हैं और आप वहीं से जो है अपनी इस जर्नी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। जी हाँ, तो क्लास 11th में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन प्राप्त करने का ये है वो तरीका, जो और कोई बताए ना बताए हम ज़रूर बताते हैं। तो आपने मेरी कहानी भी सुनी, बातें भी सुनी और ये पूरा प्रोसेस भी जाना। अब जाते जाते आपके पास कुछ भी और सवाल होंगे उससे रिलेटेड भी मैं चंद बातें आपके पास छोड़ जाता हूँ। अगर मिलिट्री स्कूल्स में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में फीस, एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन, एडमिशन, इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हमारी FAQs वीडियो देखना ना भूलें, इसमें एंड टू एंड सबके जवाब है। और दूसरा, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपके लिए मेडिकल टेस्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू तो आपको दे ही देना है। मेडिकल टेस्ट की जो भी डिटेल्स है वो आपको इस वीडियो मिल जाएंगी, इसको भी देखना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।